कम्युनिकेशन वाज सभी का कॉपी पेस्ट करेंगे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन those days in those days and his work could not be widely published and his work could not be published. फुल स्टॉप देके आगे लिखो limited circulation of the Proceeding of Brun PROTEING Proceeding of Brun Natural Science and Society Brun PRUNN Brun Proceeding of Brun Natural Science and Society in which it was published. अगला पॉइंट लिखो using mathematical and statistical 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 analysis in explain biological phenomena in explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of that time. अगला पॉइंट देखो ही कुड नॉट प्रोवाइड
he could not provide any physical proof. He could not provide any physical proof to for the existence of factors or the material they were made of. They were made of. दोनों खड़े हो जाओ, एक वो भी और एक वो भी, जो लिखा ये हो स्टैंड अप, लेफ्ट में राम को क्या आते हो, तो 5 मिनट पहले निकलो। जो बस वाला एक लड़का है, कोई चिपरौन वाला, तो चलो उसका एक रीजन होता है कि हाँ बस आएगा तभी वो आ पाएगा, तुम्हारे हाथ में जब तुमको पता है, 5 मिनट पहले निकलो। तुम कहाँ से आती हो? अरे बाबा, किस चीज साइकिल से? जब साइकिल से आती हो तो 5 मिनट पहले क्यों नहीं निकली? अरे बाबा, 6:01 के हम घुटने नहीं देंगे, आज आ गए हो तो खड़े रहो। और मेरे क्लास में से सुनील से लेके तुमको इधर इधर इंफॉर्मेशन का चाहिए ना, ले जा रहा हूँ। अगला पॉइंट देखो, नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम देवर मेड ऑफ, हो गया। अगला पॉइंट देखो, नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम कॉमा माइटोसिस एंड मियोसिस एट द टाइम ऑफ मेंडल वर्क। अगला पॉइंट लिखो, शेर मार्क स्पेलिंग लिखो, T S H E R M A K, शेर मार्क कॉमा डी ब्रीज DED और ब्रीज BRIES डी ब्रीज एंड ओरेंज CORRENS ओरेंज फॉरेन रीडिस्कवर्ड मेंडलिज्म। कौन सी चित्र हो सकना? शेरमार्क एंड शेरमार्क कॉमा डी ब्रीज डी आर आई एंड फॉरेन देखिए।
स्पेलिंग लिखने नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में मान लो बोर्ड चेयरमैन चोरियो करवा देता है, चोरियो करवा देगा तो वो कुछ बोलेगा जब तुमको लिखने ही नहीं आया, अगर पास पास कहा तो बिठाएगा। खैर तुमको क्या है, हम सिलेबस से मतलब तुम पास हो, बताए हुए थे प्लियोट्रॉपी जीन। देखो इधर ध्यान दो, एक बताए हुए थे प्लियोट्रॉपी जीन, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि मेंडल के एक्सेप्शन में आएंगे, जिसमें जीन तो एक होगा, जीन एक होगा लेकिन उसके कैरेक्टर बहुत ज्यादा होंगे, उसके उसको बोले हुए थे प्लियोट्रॉपी जीन। और इसी से याद रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो नाम से ही स्पष्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब क्या होता है, ज्यादा, जेनिक मतलब जीन, यानी कि जब ज्यादा जीन मिलकर कोई एक इफेक्ट को शो करे, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसमें क्या था, एक जीन ज्यादा इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा जीन वन इफेक्ट, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एकदम सिंपल फॉर्म, इसका एग्जांपल होता है स्किन कलर, क्योंकि हमारे बॉडी के स्किन कलर को एक नहीं तीन तीन जीन मिल करके उसको रेगुलेट करता है, तीन जीन मिल करके उसको कंट्रोल करता है। बोलो तो तीनों जीनों का स्पेशल नाम, तीनों जीनों का कोई स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि जीन अल्टीमेटली मैंने क्या लिखवाया हुआ था, सबसे पहले ही पहला जीन पहला पेज उसी मैंने लिखवाया हुआ था कि जीन इज केमिकली डीएनए, जीन ही तो एक्चुअली में डीएनए है। तो हमारे बॉडी के स्किन कलर को तीन जीन मिल करके कंट्रोल करता है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेंडल थे, ठीक है, अब मेंडल के बारे में कुछ नोट पॉइंट, ये उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो ये हो सकता है कि बोर्ड में नहीं है, हो सकता है कि ये वाला नहीं आता है, ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें कुछ चीजें बस याद रखना, या फिर हो सकता है कोई नॉलेज के पर्पज से पूछ ले कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे 1856 में वो एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल लगा 1856 में वो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे और 1863 तक उनका एक्सपेरिमेंट चला था, यानी कि 7 साल उनका एक्सपेरिमेंट चला, 7 साल वो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए, और 7 साल जब वो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद 1884 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई। जैसे बहुत बार बहुत केस ऐसे होते हैं जिस केस में क्या होता है कि होता है ना, जब इंसान होता है तब उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो इंसान नहीं होता है तब उसकी कदर होती है। जैसे फिल्म का यदि एग्जांपल, ठीक है, ये सब समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फिल्म का यदि एग्जांपल लोगे, दिल बेचारा एक बार मूवी आया था, ट्रेंड किया हुआ था, दिल बेचारा क्यों ट्रेंड किया हुआ था, क्योंकि उसका सुशांत सिंह की डेथ हो गई थी, उसके लिए वो ट्रेंड किया हुआ था, अदरवाइज ट्रेंड वो नहीं किया हुआ था। बहुत लोग ऐसे भी थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत को जानते ही नहीं थे, लेकिन उसके मरने के बाद से ही लोग उसको जानने लगे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सेम वैसा ही कंडीशन मेंडल के साथ भी हुआ,
1856 में ये एक्सपेरिमेंट किए, 7 साल चला 1863 ईस्वी तक, 1884 ईस्वी में उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन सन 1900 ईस्वी तक उनको कोई नाम नहीं मिला, उनको कोई फेम नहीं मिला, यानी कि मर भी गए थे उसके 16 साल के बाद तक भी उनको कोई नाम, उनको कोई फेम नहीं मिला, उनको कोई फेमस, जैसे अभी हम जानते हैं ना मेंडल को कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था जब तक वो जिंदा थे, इवन आफ्टर जब वो मर गए उसके 16 साल के बाद तक भी उनको कोई प्रसिद्धि कुछ भी नहीं मिली। क्लियर? अब क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस टाइम क्या था, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ठीक है, उस टाइम कम्युनिकेशन इजी नहीं था। अभी के टाइम में क्या हो गया है, किसी को एक घंटा मारेंगे तुरंत अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोल देंगे आए बायोलॉजी वाला सब तू घंटा ना मार लो। उस टाइम क्या था, होता है तो उस टाइम क्या था, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, ठीक है। यदि तुम लोग देखे होगे था, नहीं देखे होगे या तुम बहुत छोटे हुए रहोगे, पहले आता था वो वाला सिक्का वाला फोन आता था, 1 रुपया डालते थे तब उससे कॉलिंग होता था, वो किसी गांव में किसी एक के पास होता था। उसके बाद आया वो वाला दीवार में लटकाने वाला टेलीफोन, उसके बाद आया था जियो का फोन, उसके सिम कार्ड नहीं लगता था, वो जियो का फोन ही था। उसके बाद फिर आया नॉर्मल फोन, नोकिया वगैरह था। उसके बाद आया 3G फोन, उसके बाद आया 4G फोन, और अभी 5G आया है, अभी 6G और 4G है, 6G भी लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे तो पहले के टाइम में क्या था, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। अब कम्युनिकेशन इजी नहीं, अभी मान लो कोई पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वट एवर कुछ भी, जैसे ही हम एग्जाम्पल दिए, अब मान लो अभी हम स्टूडेंट है, यदि इसको मारे तो अभी उसको फोन कर देगा कि पागल हो गए मार लगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या था, ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके कारण उनका जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उन्होंने अपना बुक भी लॉन्च किया हुआ था, और उन्होंने जो अपना बुक भी लॉन्च किया वो बुक भी उनका एक सोसाइटी था, ठीक है, उस सोसाइटी में जहाँ पे रहते थे ना, उस सोसाइटी का नाम था ब्रुन नेचुरल साइंस एंड सोसाइटी, उसका नाम ही था उस सोसाइटी का। तो उन्होंने जो बुक पब्लिश किया, उन्होंने जो बुक लॉन्च किया, वो वाला बुक के साथ खड़े रहना, ठीक है, उन्होंने जो बुक लॉन्च किया था वो बुक सिर्फ उनके सोसाइटी तक ही रहा, उस सोसाइटी से बाहर वो बुक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उसके बारे में सभी को पता नहीं थी कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो क्लियर, एक तो ये पॉइंट था जिसके कारण उनका जो काम था वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया। खड़े रहना एक तो ये था जिसके कारण उनका काम प्रसिद्ध नहीं हो पाया। दूसरा, यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उन्होंने क्या किया था कि बायोलॉजी के फेनोमेना को समझाने के लिए मैथ का और स्टैटिस्टिक का यूज किया था। स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए होंगे 9th और 10th में, सांख्यिकी के नाम से, ठीक है, जिसको बोल जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल। तो यानी कि ये थे बायोलॉजी वाले, और इन्होंने बायोलॉजी को समझाने के लिए मैथ का और सांख्यिकी का प्रयोग किया, जिसके कारण जो वहां के उस टाइम के साइंटिस्ट, जैसे होता है ना कि कोई भी काम करने के बाद एक फाइनल सिग्नेचर सभी का लगता है, जैसे मान लो हम सभी यहाँ पे स्वतंत्र हैं, हम सभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एक ये है कि हम यदि कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इवन तो हम यदि इंडिया में रह रहे हैं तो वहां भी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ता है, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो सेम वैसे ही वहां पे भी क्या हुआ था कि उन्होंने जो यूज किया था, मतलब कि मैथमेटिक्स वाला और सांख्यिकी वाला चीज जो उन्होंने यूज किया था, उनके काम को जो उस टाइम के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो उससे सिग्नेचर करेंगे, जब तक वो उससे सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने से रहा, ठीक है। अब मान लो कि कोई क्लासेस बड़ा स्टार्ट करे, उसमें अच्छा खासा स्टूडेंट भी हो,
लेकिन जब तक वो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या है, इलीगल है, जब तक वो टैक्स नहीं दे रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या कंडीशन होगा कि जब तक उनको कोई बड़ा साइंटिस्ट उस पे अपना मोहर नहीं लगाएगा कि हाँ इनका जो काम है रियली बढ़िया काम है और ये आगे पब्लिश होना चाहिए और हर बुक में छपना चाहिए, पूरी दुनिया में ये चीज फैलना चाहिए। तो उस टाइम के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके काम को मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आप बायो पढ़ा रहे हैं तो यदि वैसे बायो वाला स्टूडेंट होता है क्या होता है, मैथ से भागने की कोशिश करता है। और उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजी के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैथ और सांख्यिकी का प्रयोग किया, इसीलिए उनके काम को प्रसिद्धि नहीं मिली। तो तीसरा कि उनका जो कंसेप्ट सब था वो भी थोड़ा अजीब अजीब टाइप का कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी ऑप्शन पॉइंट नंबर फोर, कि उस टाइम पे क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस टाइम क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम माइटोसिस की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम मियोसिस की खोज नहीं हुई थी। तो जब क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, माइटोसिस की खोज नहीं हुई थी, मियोसिस की खोज नहीं हुई थी, तो इन सब के कारणों के कारण क्या हुआ, उनका जो काम था वो दबा रह गया और उनका काम पब्लिश नहीं हुआ, लोगों तक पता नहीं चला। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद तीन साइंटिस्ट आए, एक का नाम था शेरमार्क, इसमें टी साइलेंट होता है तो टी शेरमार्क में पढ़ना शेरमार्क, दूसरा डी ब्रीज और तीसरा कॉरेंस। ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने क्या किया, रीडिस्कवर्ड मेंडलिज्म, यानी कि मेंडल जो बतलाए हुए थे उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने के लिए इनमें लग गए, और साथ ही साथ उस टाइम तक क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस इन सब का भी खोज हो चुका था। इसके कारण अभी हम लोग जानते हैं मेंडल को एज द फादर ऑफ मेंडल। क्लियर? तो ये चीजें बात याद रखना कि जो मेंडल थे, मेंडल के कामों को क्यों प्रसिद्धि नहीं मिली थी। ठीक है, काम ये भी ये बतला दोगे अभी है कि मेंडल के कामों को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली थी, उसको दिया जाएगा। बोलो
उसके बाद पचनमरी में एक और क्वेश्चन था, पूरा ही बनाया हुआ था, अब पता चला करना पड़ता है। और एक था डबल फर्टिलाइजेशन वाला, शायद 5 नंबर वाला था डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन का 4 लाइन लिखा हुआ था और वो 4 लाइन पे नंबर बढ़ा के। अब ये लोग अपने किसी में खास करता है इस्तेमाल नंबर को मैं आप लोग इंटरेस्ट तो देते हैं मैं आप लोग भी। हाँ, व्हाट इज डोमिनेंट लॉ डोमिनेंट।
ये बताओ, व्हाट इज द रीजन ऑफ
कल से कल ये है।
Thank you.